बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाब दुबैया कनस्तैन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू, दावत थी बारबेक्यू पार्टी यानी कि थी रात की हमारी। तो सई के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बारबेक्यू दावत दी है। और एक दूसरे जो सई के दोस्त हैं वो भी थे, उनकी फैमिली भी थी, हमारी फैमिली भी थी, जो मेज़बान हैं उनकी भी फैमिली थी। हम तीनों फैमिलियां जो है ना बारबेक्यू पार्टी करने जा रहे हैं पार्क में। वहीं बैठ के तमाम चीज़ें पकाएंगे और तमाम चीज़ें यानी कि फ्राई करेंगे, और मुख्तलिफ यानी कि डिशें हैं, मुख्तलिफ आइटम्स हैं। तो वहीं पहुंच के तो फिर मैं आप लोगों से बात करती हूं, आपको दिखाती हूं। बस अब थोड़ी देर में हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे घर से। ये देखें, हमारे घर से कोई आधा घंटे की ड्राइव पे थे ये, तो ये हम पहुंच चुके हैं। ये मेन रोड है एक तरफ, और दूसरी तरफ तमाम यानी कि साइडें बनी हुई हैं, फुटपाथ बने हुए हैं, आप लोग जहाँ पे बैठ के बारबेक्यू भी कर सकते हैं, रात को बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके बैठे अक्सर ही फैमिलियाँ आके यहाँ पे बैठती हैं, एंजॉय करती हैं, बारबेक्यू करती हैं। ये देखिए, उनका छोटा सा बेटा है, मोहम्मद इसका नाम है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट है। और दूसरी तरफ भी ये देखें, टीपू भी आ चुका है, इसको तो यहाँ पे मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी, बस सारा वक्त इधर उधर भागना दौड़ना। और साथ ही उनकी बेटियाँ थी और उनके बेटे थे, वो भी सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये देखें तमाम इन ये तमाम बच्चे जो है ना बहुत ही इन्होंने एंजॉय किया है। और इनकी साइकिल्स वगैरह भी साथ हम लोग लाए थे, वो भी अपनी लाए थे, हम भी लाए थे, और साथ ही अपनी क्लीन्स वगैरह भी लाए थे, और तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारा कुछ वो इंतज़ाम करके लाए थे। उन्होंने हमें बारबेक्यू की दावत दी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कलीने बिछा के बैठी हुई हैं, एक साइड पे लेडीज़ बैठी हुई हैं क्योंकि हम जो है ना पर्दा करते हैं, तो दूसरी साइड पे जेंट्स बैठते हैं। तो हम दूसरी साइड पे यानी कि जेंट्स बैठे हुए हैं, एक साइड पे हम लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो ये तमाम खाने पीने का इंतज़ाम स्टार्ट करते हैं। ये तमाम बच्चियाँ ठहरी हुई हैं, इन्होंने बहुत ही इन्जॉय किया है। ये सामने इतनी खूबसूरत व्यू आ रहा था, तो मैं सब ये मैं कह रही थी आप लोग जो है ना साइकिल चलाती रहें तो मैं आपकी वीडियो बनाती रहूँगी। ये सब मेन रोड था, दूसरी साइड से भी मेन रोड था, और दरमियान में तमाम जगह बनी हुई थी जो तमाम फैमिलियां आके बैठे एंजॉय करें, बारबेक्यू करें, और रात का व्यू देखें कितनी खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, इस साइड से भी मेन रोड है और इस साइड से भी मेन रोड है, दरमियान में भी एक रोड था लेकिन वो बिल्कुल खाली, जहाँ पे वो आके यानी कि फैमिलियाँ आती हैं, आके बैठती हैं और अपनी गाड़ियाँ ठहराते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया था, और ये बहुत बड़ा जिनकी इसके दूसरी तरफ तो पार्क था, हम एक दूसरी तरफ आए थे जहाँ पे हमने तमाम ये बारबेक्यू की है। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ भाभी जो है ना वो निकाल रही हैं, उनकी अम्मी भी साथ थी, उन्हें बहुत ही हमने एंजॉय किया, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत बच्चों ने तो इतनी एंजॉय किया ना, सारा वक्त यह दौड़े लगाई या सारा वक्त यही साइकिल ही चलाई। ये देखिए, ये चपली कबाब हैं, ये अब तले जाएंगे, और साथ ही दूसरे आइटम्स हैं वो भी साथ साथ खुल के वो भी तलेंगे। साथ ही शामी कबाब थे, फिश थी, टिक्का बोटी थी। ये देखें, तमाम मिसाले वगैरह लगा के भाभी आई थी। ये तमाम चिकन टिक्का हैं, और साथ ही उसके बाद फिश थी, और चपली कबाब थे, शामी कबाब थे, और दूसरी बोटियां जो होती हैं वो थी, सीखी कबाब थे। ये तमाम मिसाले लगा के ना भाई जो है ना उनको ये देखें, तमाम ये भाई जो है ना उनके ऊपर ही मिसाले लगा के तो फिर कोयलों पे इनको पकाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी थी पार्टी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जाके ये बहर किया है क्योंकि अक्सर ही हम घर में ही करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने जो है ना ये बारबेक्यू पार्टी की है, जिनकी बारबेक्यू उन्होंने हमें दावत दी है, जो बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया है। ये देखिए, ये फिश को अब मिसाला लगा के सारा कुछ करके तो भाभी इसको अब जो है ना फ्राई करेंगी। ये देखें, अब जो है ना कढ़ाई में इसको फ्राई किया जा रहा है फ़िश को। फ़िश भी बहुत ही टेस्टी थी और मुझे बेहद पसंद है ये फ़िश भी, और साथ ही रशियन सैलेड और जो चिकन टिक्का था वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और मुझे बेहद पसंद था, और साथ ही पुलाव था
मिक्स सब्जी वाला था। और साथ ही ये देखें बच्चे जो है ना लीडो भी खेल रहे थे, उनको एक साथ पे बिठा दिया था कि यानी कि वो आराम से खेलते भी रहें और अपनी साइकिल्स वगैरह भी चलाते रहें। तो हम लोगों हम लेडीज़ ने तो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया है। और जो न्यू आने वाले हैं ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और जितनी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसको 15,000 सब्सक्राइबर पर लेके जाना चाहती हूँ, आप ज़रूर ही इसमें मेरी हेल्प करें। तो ये देखें ये अब हम ये जो है ना भाई उसको अब फ्राई करेंगे कोयलों पे, और दूसरी तरफ हम कढ़ाई पे कर रहे हैं। और साईं और उनके दो दोस्त जो है दूसरी तरफ थे वो ये सारा कुछ कर रहे थे, हम लेडीज़ दूसरी तरफ थी। ये साईं ने ही वीडियो बनाई थी दूसरी तरफ से, तो वो भी मैंने ये क्लिप ऐड किया है। तो बहुत ही टेस्टी था, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। तो बस अब सब कुछ तैयार होने वाला है, तो अब हम सुफरा बिछा के तमाम चीज़ें लगाएंगे। ये देखें टीपू और हुसैन जो है ना आपस में खेल रहे थे, सारा वक्त इन बच्चों का हल्ला गुला लगा रहा है। और बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि आज बहर आके हमने बहुत ही एंजॉय किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये देखें टीपू कहती है हुसैन जो है ना मेरे सही के एक दोस्त है, उनके बेटा है, तो उसको ये साइकिल चलाना बहुत ही पसंद है। टीपू को इस पे डर लगता है, टीपू ये चलाता ही नहीं है, कह के थक गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद प्रैक्टिस करेगा तो फिर चढ़ जाएगा हाथ इसका। तो ये देखिए अब हमारा सुफरा बिक चुका है, अब हमारी दावत लग चुकी है, बारबेक्यू पार्टी की दावत अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखें ये पुलाव था और ये रशियन सैलड था, साथ ही रोटियां थी, साथ ही टिक्का चिकन टिक्का थे, फिश थी और साथ ही विंग्स थी और चटनियां थी और साथ ही यानी कि आप मुख्तलिफ स्प्राइट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें थी। ये तमाम चीज़ें अब खाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हाल था हमारे दस्तरखान का। तो उसके बाद हमने कहा थोड़ी सी वॉक करते हैं, और बच्चों ने ये देखें डाले पे चढ़ के, तो सही ने इनको बहुत एंजॉय करवाया है। ये ऊपर चढ़ के बहुत खुश हो रही थी बच्चियाँ, और तमाम बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। बहुत ही यहाँ पे फैमिलियाँ यहाँ आई हुई थी और मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई है ना बहुत यहाँ के, तो दिल भी बहुत खुश हुआ है। ऐसे खुला डुला माहौल था और बहुत ही हम खुश हुए। और तमाम खाना खाने के बाद सारा कुछ करने के बाद उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें अपनी ये दावत दी बारबेक्यू, और वो बहुत ही हमें अच्छा लगा। ये अब उनकी बच्चियाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं भाई की, और अब हम वापस घर को जा रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।